हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले, देख सकते हो फिलहाल हमारे पास पल्सर 150 है और हम इसका देख सकते हो फुल्ली सिंथेटिक जो मोबिल इसको हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो गाइस देख सकते हो इसका प्राइस 935 रुपीज़ है, आपको दिख रहा है कि नहीं। तो हम इसको, इसमें एक लीटर मोबिल है तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। और इसी के साथ गाइस हम और एक चीज़ यूज़ करने वाले हैं, वो देख सकते हो इंजन फ्लशर और इंजन को सही रखने के लिए देख सकते हो दो प्रोडक्ट है। तो 3M का है, तो कॉस्ट कितना पड़ा सब कुछ आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग वीडियो पहले देख लेते। तो गाइज, इसका जो इंजन ऑयल हमने परचेस किया, तो आप भी इजीली ऑनलाइन से भी परचेस कर सकते हो या ऑफलाइन। तो हमने ऑनलाइन से किया। अगर आप ऑनलाइन से लेना चाहते हो प्रोडक्ट वगैरह, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज, जो इंजन फ्लशर है आप देख सकते हो 402 रुपये का पड़ा हमको, लेकिन अगर आप इसका प्राइस चेक करोगे बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो इसी वजह से हम लोग सब कुछ ऑनलाइन परचेस किया, क्योंकि ऑनलाइन में रेट का इशू ज़्यादा नहीं होता, बहुत आपको डिस्काउंट वगैरह मिल ही जाता है। तो गाइस आगे का देख सकते हो, एक ही चीज़ का प्राइस 390, इधर पे देख सकते हो 430 रुपया, तो डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है। इसके बारे में थोड़ा छोटा मोटा अपडेट मेरे पास है। तो आफ्टर 40,000 के बाद आपकी जो इंजन है उसमें स्लज जमा हो जाते हैं। अगर आपके पास पल्सर है या जो कोई भी मॉडल है, इसमें इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए गाइस आप इस वाला मोबिल को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि गर्मी आ रहा है इसलिए हम फुल्ली सिंथेटिक मोबिल इसमें यूज़ करने वाले हैं। और इसी के साथ जो क्लच के लिए ये दो प्रोडक्ट है हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो इसका रिजल्ट कैसा मिलता है अगर आप लोग कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे लाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल चलिए देख लेते हैं इसका किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो गाइस पूरा वीडियो देखना, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये जो बाइक है तो बिजॉय का है, और इसमें अभी जो देखते हो इस वाला जो देख सकते हो 3M का जो लिक्विड हम इसमें डालने वाले हैं, इसमें 50 ml रहता है। तो पूरा 50 ml आपकी जो पल्सर है 150 बोलो 220 बोलो 50 ml पूरा जाएगा। आप देख सकते हो इधर से आपको आसानी से, आप घर पे भी कर सकते हो बहुत इजीली, इसको ओपन कर लेना और इसके बाद इसको पूरा का पूरा इसमें डाल देना। और बाद में गाइस देख सकते हो इसका कलर कुछ येलो कलर है। तो इसको डालने के बाद गाइस इंजन को थोड़ी देर आपको स्टार्ट रखना पड़ेगा, लगभग 10 मिनट तक आपको इंजन में इंजन को स्टार्ट देकर रखना पड़ेगा। थ्रॉटल वगैरह मत देना, सिर्फ स्टार्ट करके रखना। और गाइस देख सकते हो इंजन स्टार्ट हो चुका है, तो अगले 10 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देंगे। 10 मिनट के बाद गाइस आपको बाइक को ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के बाद अगर घर पे भी कर सकते हो या फिर लोकल कोई गैराज से भी आप इंजन ऑयल को चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो प्रोसेसिंग है आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं। जो 3M का जो दूसरा लिक्विड हमको मिला था, उसको हम इंजन ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिलाकर अपने इंजन पे डालने वाले हैं। सेम प्रोसेस से आप भी कर सकते हो, चाहे तो आप घर पे भी कर सकते हो, बहुत सिंपल सा प्रोसेसिंग है। तो गाइस प्रोसेसिंग तो बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो। इसी के साथ गाइस अगर इसका हमको एक्सपीरियंस कैसा मिला, 2-3 दिन बाद हम और एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे लाएंगे बहुत जल्द। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की टॉपिक लेकर।